पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करके और हैंड ओवर कर दिया है पुलिस को, और वो एसपी साहब के हाथों तक चली गई है। जहाँ तक रिपोर्ट का सवाल है, हम लोगों ने जो भी पाया है उसको लिखा है। उसमें हमने लिखा है कि लड़की को पहले गोली मारा गया है और पोस्टमार्टम उंड के रूप में हम लोग पाया कि उसके बाद जला दिया गया है। इसके बाद जो भी सामान रिकवर हुआ है उसको हम लोगों ने पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है। एफएसएल की टीम आई हुई थी, वहाँ हम लोगों ने उसके बाल काट करके, उसके दांत निकाल करके, उसके और भी टिश्यूज जो है रिक्वायर्ड थे, उस तमाम चीज़ों को सील्ड इन्वेलप में हम लोगों ने डाल करके हैंड ओवर कर दिया है। जो स्वाब है भजाइना साहब उसको ले लिया है, उसको ड्राई कर करके इन्वेलप में डालकर हम लोगों ने उस टीम को हैंड ओवर कर दिया। सर, दुष्कर्म रिपोर्ट इसमें दिया गया है या वो रिपोर्ट आना है? वेजाइनल स्वाब इसीलिए दिया गया है कि ये प्रमाणित हो कि दुष्कर्म हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक तो जो भी दुष्कर्म की बातें आती थी वो संभावनाएं थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट तो तभी आएगा जबकि एफएसएल का रिपोर्ट आएगा। अभी वो रिपोर्ट नहीं आया? अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है, इसीलिए हम लोगों ने जो पोस्टमार्टम का जो कॉज ऑफ डेथ है उसको प्रिजर्व रखा है, और उसके भीसा को भी हम लोगों ने प्रिजर्व करके पुलिस को दिया है, एफएसएल को दिया है, ताकि ये संभावनाओं से रूल आउट हो सके कि उसके मारने के पहले उसे कहीं जगह तो नहीं दिया गया है, कोई पॉइजनिंग का केस तो नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने भीसरा का भी प्रिजर्वेशन किया है और हैंड ओवर कर दिया है एफएसएल की टीम। ठीक है, थैंक यू।